हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिन बच्चों को बीबीए बीसीए बीएमएस या फिर बीबीएम ये कोर्स करने थे और वो सीईटी का एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो दोस्तों सेकेंड टाइम 29 जून से लेके 3 जुलाई तक एक विंडो ओपन किया था जिसपे आप वापस ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे वहां पे भी रह गए होंगे। अगर आपने पहले एग्जाम नहीं दिया, वापस आपको देना है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एग्जाम की डेट बहुत जल्द आ जाएगी, आपके हॉल टिकट आ जाएंगे दोस्तों। तो अभी 4 जुलाई को ये लेक्चर मैं करीब 5 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक आप लोगों को वापस एक चांस मिल रहा है। तो ये लेक्चर्स अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि आपको और एक चांस है। जिनको भी सीईटी एग्जाम देना है, जिनको बीबीए बीसीए बीएमएस या बीबीएम करना है, उन बच्चों ने अब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, क्योंकि बिना सीईटी के एग्जाम दिए बिना आप लोगों का एडमिशन होगा नहीं। तो कंपलसरी दोस्तों अपने सारे दोस्तों तक ये शेयर कर दो वीडियो फटाफट से, पहले तो कि उनका टाइम वेस्ट ना हो या फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिस ना करनी पड़े। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि सीईटी एग्जाम नहीं दी, स्कोर कुछ भी करो बॉस, लेकिन देना जरूरी है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारा इस बार का सीईटी के बैच का रिजल्ट सर 99.76% के ऊपर स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे वो शेयर भी किया हुआ है, तो वही बैच आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 999 रुपीज में मिल रही करके। सो आप ले लीजिए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। आप हमारे दिए गए जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये छोटा सा मैसेज था आप सबके लिए। सो प्लीज आप लोग अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, देखो उन्होंने क्लियरली कहा है कि 8 जुलाई के बाद कोई भी आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, कोणती ही मुदतवाढ दिली जाणार नाही। सो जो बच्चे रह चुके हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा दो। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर हमने लास्ट टाइम एग्जाम फॉर्म भरा था, एग्जाम नहीं दी, उन्हीं बच्चों के लिए क्या? नहीं बेटा, ये सबके लिए, जो देना चाहता है अभी वापस से वो टाइम वापस इनरोल कर सकता है। ठीक है, इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।